बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वह अपने जिगर के टुकड़े को किसी अच्छी फैमिली के किसी अच्छे लड़के के साथ मंसूब करें, और जब ऐसा हो जाता है तो उनका दिल दूसरे वसवसों में घिरने लगता है। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतल्लिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। लगते जिगर की शादी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें गम और खुशी के दोनों अंसर मौजूद होते हैं। वालदैन, बहन भाई और सहेलियाँ सब उसे आंसुओं की बरसात में रुखसत करती हैं। उस वक्त उनकी ज़बान पर एक ही दुआ होती है, ऐ अल्लाह इसे तमाम खुशियाँ देना कि सदा सुहागन रहे, अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी बसर करे, ससुराल वालों की आँख का तारा बनी रहे। दुआओं की सौगात के साथ ससुराल जाने वाली लड़की की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उसे खुद को मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ता है। लेकिन एक लड़की अपने मेके में अगर खूब शौक तबीयत की मालिक है तो ससुराल में उसे अपने मिजाज की शौकी पर काबू पाना होता है। ये खुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि वो वक्त से पहले अंदाज़ा लगा ले कि ससुराल वाले कैसे हैं, इसका घर का माहौल कैसा है, रहन सहन क्या है, कितने अफराद हैं और कौन किस मिजाज का है, शोहर का मिजाज कैसा है। अगर ससुराल वालों का मिजाज अच्छा है, सब मिलनसार हैं, खूब हंसते हंसाते हैं, खुश मिजाज हैं, तो हर लड़की ऐसे माहौल में गुजारा कर सकती है। लेकिन अगर वो सब हर काम एक हद में रहकर करने के आदि हैं तो लड़की को भी अपने मिजाज थोड़ी तब्दील करना पड़ेगा। ससुराल वाले अगर काम गो हैं तो लड़की को भी अपनी ज़बान और मिजाज पर काबू रखना होगा। शोहर के मिजाज में गुस्सा है तो उस वक्त ना तो शोखियाँ करना चाहिए और ना ही खुद अपना गुस्सा जाहिर करना चाहिए, खामोश रहना ही ज़रूरी है। बाद में जब मूड खुशगवार हो जाए तो नहायत नरमी और प्यार से गुस्से की वजह मालूम करनी चाहिए। बीवी के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा अपने शोहर पर तवज्जो दे और उसका कहना माने, फरमाबरदार रहे। शोहर जब अव्वल रोज़ से बीवी को फरमाबरदार पाएगा तो वो खुद भी वफादार रहेगा। आपको सिर्फ शोहर के साथ ही नहीं रहना बल्कि उसके पूरे घर के साथ रहना है। आपको ना सिर्फ शोहर की परवाह करेंगी तो बाकी घर वालों से आपके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। आपको ना सिर्फ शोहर से बल्कि उसके तमाम घर वालों से बनाकर रखने की ज़रूरत है। शादी के बाद बहुत कुछ देखना पड़ता है। माँ बाप के घर लड़की बहुत आज़ाद होती है, उसे फ़ैसलों में उसे खुद मुख्तियारी हासिल होती है, अपनी मर्ज़ी से खाना पीना सोना जागना होता है, जबकि शादी के बाद ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। जब आप एक नए माहौल में आती हैं तो खुद को उस माहौल का आदी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद हर बात में ससुराल के लिए यहां का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। मसलन हमारे यहां तो ये नहीं होता, या हमारी अम्मी के घर तो सालन दूसरे तरीके से बनता है, मैं तो यहां यही सब कुछ देख रही हूँ। इन अल्फाज से ये ज़ाहिर होता है कि आप ससुराल वालों से गैरियत बरत रही हैं। अपने ससुराल की तरफ से हर उस तकरीब में शिरकत करें जिसमें ससुराल वाले आपकी शमूलियत चाहते हैं। हर शख्स से खलूस से मिलें, सब के नाम और रिश्ते याद रखने की कोशिश करें, सबसे घुल मिल जाएं। अगर कोई आपकी सास या नान से मिलने आता है तो आप उसको बराबर की इज्जत दें। सास की रिश्तेदार खवातीन से एहतराम से मिलें, नंदों की सहेलियों से अपनी सहेलियों की तरह मिलें। आप सलाम दुआ अच्छे तरीके से करके उनकी खातिर तवाज़ों का बंदोबस्त करें, इससे आने वाले पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर आपकी ससुराल की तरफ से कोई तोहफ़ा आपको मिलता है वो खुशी खुशी कबूल करें, आपको पसंद ना भी आए तो भी देने वाले का शुक्रिया अदा करें। आपको कोई जोड़ा मिला है तो उसे इस्तेमाल करें, कोई सजावट की चीज़ दे तो उसे अपने घर में सजाएं, अगर कोई शय आपको वाकया पसंद आ जाए तो दिल से तारीफ़ करें। कुछ लड़कियां हर मामले में अपनी नापसंदगी का इजहार करती हैं, इस तरह उनको सिर्फ बुरा कहने वाले ही समझ लिया जाता है, और अगर वाकया किसी मामले में नापसंदगी का इजहार करें तो कोई उन्हें अहमियत नहीं देता कि ये तो हर वक्त यही बोलती है, जिस पर उनको बुरा महसूस होता है कि हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अपने आप को ससुराल के माहौल में ढाल लेना ही अच्छी लड़की का काम है। अमूमन ख्वातीन अपने मेके की तकरीबात में तो दिल खोलकर खर्च करना पसंद करती हैं, जबकि ससुराल की तकरीब में वाजबी सी दिलचस्पी का मुजाहरा करती हैं, जिसकी वजह से शोहर की नज़र में उनका मकाम बुलंद नहीं हो पाता। दोनों तरफ के रिश्तों में तवाज़ुन करना सिखाएं। किस्मत से आपको अच्छा ससुराल मिल गया है तो उसकी कदर करें, अगर खुदा ना खास्ता ससुराल वाले अच्छे नहीं तो सब्र से काम लें इंशाल्लाह।
انشاءاللہ زندگی میں آگے چل کر آپ ہی سکون کو محسوس کر سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر لڑکی کے بہترین نصیب فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔